एक तो नमक जो दे रहा है वो बीपी बढ़ाने वाला, तकलीफें पैदा करने वाला, शरीर में विकृतियां और दोष पैदा करने वाला, ऊपर से इतना महंगा हमारे पैसे खींच कर ले जा रहे। तो ये जो साजिशें चल रही है, ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके, मुझे लगता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र शायद इस देश के साथ हो रहा है कि सबको आयोडीन युक्त नमक खिलाते जाओ, 5 साल 10 साल 15 साल में सबकी आयोडीन शरीर में ज्यादा हो जाए, नपुंसकता पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो जाए, बच्चे ही पैदा ना हो इस देश में, तो विदेशी आकर फिर कब्जा कर ले इस देश में अधिक जनसंख्या के, आपकी जनसंख्या घटती जाए और दूसरों की बढ़ती जाए। आपको सुनकर हैरानी होगी, आयोडीन युक्त नमक भारत देश में आने से पहले यूरोप और अमेरिका के खंड के 40 देशों में चल चुका है और वहां की सरकारों ने उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। बैंक यूरोप के देशों में सबसे पहले एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, इसने आयोडीन युक्त नमक शुरू किया। आयोडीन युक्त और एक्स्ट्रा फ्री फ्लो, आप सुनते ना टीवी में एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक है और आयोडीन युक्त भी है। ये एक्स्ट्रा फ्री फ्लो क्या है, नमक में हमेशा नमी रहती है, नमी पानी के कारण रहती है। नमक की एक विशेषता है कि वो हर तरफ से पानी को खींचता है। सूखा हुआ नमक यहां खोल के रख दो, कल देखना वो सब गीला हो जाएगा। कहां से हो गया, वातावरण में जो मॉइस्चर है उसको नमक खींचता है। अगर कोई नमक पानी को खींचेगा तो वो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नहीं हो सकता, सूखा नहीं होगा। सूखा नहीं होगा होनी चाहिए वो ये कि नमक जो है पानी को खींचता है, उसका गुण घट है, खाली रख तो गीला हो जाएगा। अब ये पानी को खींचने में जो गुणधर्म है, इसके कारण नमक को जब पीसेंगे तो थोड़ी नमी रहने वाली है। यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खुराफाती दिमाग लगाया कि ये नमक में नमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों, अगर नमी है तो ये ऐसे करके किसी पे इसको छिड़क नहीं सकते, गुरका नहीं जा सकते। यूरोप और अमेरिका की खासियत क्या है वो हमें जाननी चाहिए, उनकी अपनी समस्या है जिसका समाधान करने के लिए ये तमाशा किया। वहां सब्जी कोई घर में बनाता नहीं है, दाल कोई पकाता नहीं है, सब्जी बनी बनाई डिब्बे में आती है। यहां सभी जानते हैं अमेरिका यूरोप के देशों में, कनाडा जैसे देशों में जो अपने को बहुत विकसित कहते हैं, वो ताजा बनी हुई सब्जी नहीं खाते क्योंकि सब्जी बनाना नहीं आता किसी। कितने गरीब लोग हैं, सब्जी बनाना नहीं आता। हिंदुस्तान के घर घर में 10 साल के किसी भी बच्चे को जो काम आता है वो यूरोप के बड़े बड़े लोगों को नहीं आता, सब्जी बनाते कैसे हैं। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी दुनिया का ताम झाम करने वाले हेड्रो कोलाइडर बनाने वालों को सब्जी बनाना नहीं आता। अच्छा, सब्जी बनाना आता क्यों नहीं है, कारण ये सब्जी होती भी नहीं है। ज्यादातर देशों में सब्जी के नाम पे या तो बटाटा है, आलू और कांदा, बाकी कुछ है नहीं। तो सब्जी बनाने के नाम पे कुछ है नहीं, प्रकृति ने दिया भी नहीं है, उनको आता भी नहीं। तो सब्जियां वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, बना बना के पैकेट में बेचते हैं। अब सब्जी बनी हुई पैकेट में डाली जाएगी तो उसको सुरक्षित रखने का एक ही आधार है, नमक ना डाला जाए उसमें। नमक करेगी आपको तो पैकेट बेकार हो जाए। तो बिना नमक की उबली हुई सब्जी पैकेट में बंद आती है यूरोप और अमेरिका में। जब वो खाने के लिए बैठते हैं, प्लेट पर निकालते हैं तो ऊपर से नमक डालते हैं। अब ऊपर से नमक डालना है तो उनको नमक ऐसा चाहिए जो फ्री फ्लो हो, चारों तरफ गिरे। और नमक की विशेषता है कि उसमें पानी रहेगा, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। तो उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाया और उसके लिए बीसीओ केमिकल डाल दिए उसमें। अब वो नमक नहीं रहा, केमिकल का भंडार हो गया, कई तरह के रसायन उसमें डाल दिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाने के लिए। अब उन्होंने देखा कि उनके यहां ये नमक चल पड़ा, उस नमक में से समस्याएं शुरू हो गई। आयोडीन युक्त किया और समस्याएं शुरू हो गई। जर्मनी में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता फैली,
फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में बच्चों के पैदा होने का जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगा। तो बड़ी खोजें हुई कि भाई ये क्या चक्कर हो गया, हमारे यहाँ अचानक से बच्चे पैदा कम होने लगे क्यों। तब वैज्ञानिकों ने खोज के बनाया कि ये अतिरिक्त आयोडीन का कमाल है, तो धड़ाधड़ सरकारों ने उसको बैन किया कि नहीं चाहिए, तो हमको सादा नमक ही चाहिए। अब उन्होंने तो बंद कर दिया, ले देके हमारे ठोक दिया हिंदुस्तान के माने। अब हिंदुस्तान के नेता तो सुभान अल्लाह, वो आपने एक पता नहीं हिंदी या उर्दू की कहावत सुनी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होता है। एक ही उल्लू बहुत होता है समाज को बर्बाद करने के लिए, और हमारे यहाँ उल्लुओं की फौज इकट्ठी होकर राजनीतिक पार्टी बना लेती है, फिर वही मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं, एक ही चीज से लेना देना, पैसा और कुर्सी। ये कुर्सी मिल गई तो अब इसको टिका के कैसे रखना है, अगली बार इसको बचा के कैसे रखना है, इसके लिए पैसे खर्च करने हैं, तो पैसे लाने कहां से हैं, फिर खर्चा कैसे। तो चुनाव का सारा खेल ये है, पैसा बनाना, कुर्सी लाना, कुर्सी पे बैठना, फिर पैसे बनाना, फिर कुर्सी लाना। तो ऐसे नेता है, उनके ऊपर किसी ने कह दिया भाई बहुत अच्छा आयोजन युक्त नंबर भारत में लगा दो, तो लगा दिया हमारे नेता, और लगा ही नहीं दिया, कानून बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक खाएगा उसको जेल भेज दिया जाए। ऐसे मूर्खों के मूर्ख नेता हमारे देश के, कानून ने ऐसा भी बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक बेचेगा दुकान में उसको भी जेल में डाल दिया। इन मूर्खों ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि 1930 के पहले इस देश में कोई आयोडीन युक्त नमक नहीं था, समुद्र के पानी का ही नमक नहीं था, आयोडीन युक्त नमक की तो बात ही छोड़ दो, और लोग ज्यादा स्वस्थ थे। जब से ये समुद्र के पानी का नमक आया घरों में ज्यादा बीमारियां आई हैं। ऐसे हमारे में अब इसमें घुस किया गया सारा खेल कि जो नमक को 15 पैसे किलो से 7 रुपए 10 रुपए किलो बेचने वाली कंपनियां उनको मुनाफे कमाने हैं, उसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, भारत की भी कुछ देशी कंपनियां हैं, उनको अपना धंधा चलाना है, नेताओं को उसमें से थोड़ी घूस और रिश्वत देकर अपनी व्यवस्था को टिकाए रखना है। तो नेता और भ्रष्ट कंपनियों का गठजोड़, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कंपनी, भ्रष्ट अधिकारी ये बन गया, तो चला दिया पूरे देश में आयोडीन के नमक। आपको सुनकर हैरानी होगी मेरे जैसे बहुत लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं सड़क पे भी और अदालत में, कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमे किए हुए हैं और उनके फैसले भी आए। एक इतना अच्छा फैसला आया महाराष्ट्र हाई कोर्ट का कि जबरदस्ती सरकार किसी को आयोडीन युक्त नमक नहीं खिला सकती, किसी की इच्छा है तो खाए, नहीं है तो वो अपना दूसरा नमक खाए। तब से ये कंपल्शन हटाया उन्होंने क्योंकि कोर्ट का फैसला आया। अभी थोड़े दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है इसी मामले में फैसला, क्योंकि एक मुकदमा चल रहा है।